गाइस, आप देख रहे हैं newstrack.com और आज हम मौजूद हैं लखनऊ के हयात होटल में, जहां पे चल रहा है शो का प्रमोशन। नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी के लीड एक्टर्स पुनीत चौकसी और रिया शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इनके सीरियल की स्टोरी क्या है और इनको कितना अच्छा लग रहा है, और जो इनको प्यार मिल रहा है उनके फैन से वो उनको कैसा लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं सीधे पुनीत चौकसी से, जो इस कैरेक्टर जो इस शो में अर्जुन की भूमिका निभा रहे हैं। और ये बताइए, आपको लखनऊ आके कैसा लग रहा है? लखनऊ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई में, मुंबई की आबो हवा और लखनऊ की आबो हवा में काफ़ी डिफरेंस है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तो आया ही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखनी है। शायद समय कम है, कम देख पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा जितना देख सकूँ। तो आपने थोड़ा सा अपने करेक्टर के बारे में बताइए, जो आप शो में करेक्टर प्ले कर रहे हो, थोड़ा सा करेक्टर को डिस्क्राइब करिए। अगर वन वर्ड में पूछा जाए तो क्या करेक्टर है आपका और कितना डिफरेंट है वो आपके रियल लाइफ से? वन वर्ड तो मैं एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कह सकता हूँ मेरा जो कैरेक्टर एक नारियल की तरह है, क्योंकि बाहर से बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट है। उसकी एक बैक स्टोरी रही है जो कि उसकी वजह से वो इस तरह से बन चुका है, और आगे भी बस उसका एक बिजनेस है, उसकी बेटी है, उसकी छोटी सी फैमिली है, वो उसको फॉलो उसको फॉलो कर रहा है। तो वन वर्ड में बताना काफ़ी मुश्किल है। और कैसा, मतलब कैसा, आपने बहुत सारे शोज़ किए, नागिन भी है, कितना डिफरेंट है ये वाला शो आपके? एक लव स्टोरी है, नागिन डिफरेंट क्राइटेरिया पे था वो, तो ये कितना डिफरेंट है आपके लिए शो? मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट है ये शो। अब नॉर्मल शोज़ आते हैं जो कि उसमें टिपिकल ड्रामा रहता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि आम आदमी पचा नहीं पाता है, लेकिन ये ऐसा शो है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं एक नाटी पिंकी के थ्रू, जो जिसकी हाइट कम है लेकिन उसके हौसले बहुत बुलंद है, लेकिन बहुत सारी हमारी सामाजिक ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण वो अपने आप को दबाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है। तो बस यही है कि हमारा मैसेज यही रहेगा कि हम उसकी क्वालिटीज़ को दिखाएं, उन चीज़ को आगे बढ़ाएं, जिससे जो भी नाटे लोग हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो दूर हो कि हम छोटे हैं, बल्कि इस पर ध्यान दिया जाए कि हमारे अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, वही मेन चीज़ होती है। आपने नागिन किया था, नागिन तो ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा फेमस शो था और ये आप धीरे धीरे फेमस हो रहा है, कैसा लग रहा है एक लीड रोल में, कैसा फील होता है? बहुत ज़्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग भी है आपकी, कैसा लगता है? फीमेल्स अप्रोच करती हैं, पागल हो जाती हैं, कैसा लगता है फील करके? जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि अगर फीमेल्स ऐसा कर रही हैं। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं लगता है, बट या अच्छा लगता है कि लोग पसंद करते हैं और उनको ऐसा लगता, उनको एक आइडियल इंसान दिखता है कि जैसा वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। शायद कैसी फीलिंग आती है जब फीमेल बोलती हैं मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए या मैं ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ? बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि मैं एक किरदार निभा रहा हूँ जो कि अर्जुन का है, तो वो ऐसा किरदार है कि हर लड़की चाहेगी कि शायद उसका पति वैसा ही हो, तो वो अगर उस चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैं उसे अच्छे से प्ले कर पा रहा हूँ। वेब सीरीज़ से कितने डिफरेंट होते हैं टीवी शोज़, अगर आपकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए तो वेब सीरीज़ से कितना डिफरेंट होते हैं टीवी शोज़ में काम करना? बहुत डिफरेंट होता है वेब सीरीज़ में और टीवी शोज़ में, क्योंकि टीवी शोज़ में हमारे पास ड्यूरेशन बहुत कम रहता है हमारे पास, क्योंकि हमें रेगुलरली शूट करके टेलीकास्ट देना रहता है, तो कम समय में ज़्यादा शूट करना रहता है। और वेब सीरीज़ में हम ऐसा रहता है कि लिमिट, मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं रहता है, आप अपने हिसाब से शूट कर सकते हैं उस चीज़ को, तो ये डिफरेंस आ जाता है, तो क्वालिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। तो हमें ऐसा लगता है हमारे हर शो में, हर एपिसोड के बाद, यार इसमें और कुछ किया जा सकता था, उसमें और कुछ किया जा सकता था, लेकिन वेब सीरीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि टाइम होता है आपके पास, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने किरदार को ज़्यादा। लास्ट मैसेज आपके फैंस के लिए, स्पेशली फीमेल फैंस के लिए, क्या कहना चाहेंगे जो आपका शो इतने प्यार से देख रही हैं, उम्मीद कर रही हैं कि हाँ हम अर्जुन से मिल पाएंगे, अर्जुन जैसा हस्बैंड मिले, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं अपनी फीमेल फैन से यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं, उसके चेहरे को देख के, उसकी हाइट को देख के, या उसके उन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाए, और जो अंदर से कैसा है इंसान, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उस चीज़ पर ध्यान रखें, तो खूबसूरती एक टाइम के बाद ढल जाती है, लेकिन जो अंदर की क्वालिटीज़ रहती हैं वो हमेशा बनी रहती हैं, तो उस चीज़ पर ध्यान दें तो आपको अच्छा पार्टनर ज़रूर मिलेगा। वेलकम टू लखनऊ, आप तो लखनऊ की हैं, आपको वेलकम क्या करें, लेकिन फिर से वेलकम। ये बताइए, आपको शो करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ है और बहुत ही खुश हैं कि ऐसे शो का हिस्सा हैं,
जो आप सबके दिलों पर अभी राज कर रहा है और चाहेंगे और भी दिलों पर राज करे। थोड़ी सी जर्नी डिस्क्राइब करिए आप अपनी, आपको ये शो कैसे मिला? जी हमने पहले भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, मूवी की थी, उसी के दौरान इन्हें हमारा नंबर मिला और उन्होंने कॉन्टेक्ट किया हमें, और बस हमने मूवी का कंटेंट समझा और समझ आने पे थोड़ी सी दुविधा थी इसके नाम को लेकर, नाट्य शब्द को लेकर, लेकिन फिर एक ख्याल आया दिमाग में, एक पूरा दिन लिया सोचने के लिए, और फिर एक वो ख्याल आया कि दुनिया में बदलाव किसी एक ज़र्रे से ही आता है, तो क्यों ना वो ज़र्रा हम ही बन जाते हैं। तो बस उसी ज़र्रे के तौर पे आज हम आप सबके सामने हैं। एक पंडित फैमिली से आती हैं, उसके बाद अब एक्टिंग में, मतलब कैसे तालमेल बिठाया? बिकॉज बीइंग अ पंडित, फ्रॉम बीइंग अ पंडित फैमिली फिर आप एक्टिंग में आपने तुरंत स्विच कर लिया, तो कैसा लगता है, कैसे कन्विंस किया चीज़ों के लिए पेरेंट्स को? बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारी ये फैमिली ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप की नहीं है, वो लोग मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ महज भले ही पहले के ज़माने में पंडित फैमिलियों में घूंघट होता था, लेकिन अब हमारे यहाँ वो प्रथा नहीं है। हमारे पापा घर के सबसे बड़े हैं और उन्होंने उनको बहुत ही अच्छे से ये नॉलेज है कि लाइफ में आगे क्या करना है, तो उन्होंने सब बच्चों पे विश्वास करते हुए उन्होंने हमें छूट दी है इस कदर कि आप कोई भी करियर चुने, बस किसी का नुकसान ना हो और हमेशा ज़मीन पे पांव रहे। तो बस मैं उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने भी काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा अपने शो में जो आप कैरेक्टर प्ले करिए पिंकी का, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। आपने और भी सीरियल्स किए जैसा कि आपने बताया, तो कितना डिफरेंट है? पुनीत भी एक न्यू कमर है, मतलब ठीक है उन्होंने नागिन में काम किया, उनके साथ केमिस्ट्री कैसी रह रही है? देखिए पिंकी का किरदार बहुत ही बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं रिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूपी बेस्ड स्टोरी है ये, और पिंकी और रिया में फ़र्क महज बस इतना है कि रिया थोड़ी सी ब्लंट हैं, वो बोल देती हैं मुंह पर, और पिंकी हैं थोड़ा सा खुद को दबा के रखती हैं, क्योंकि उनको हाइट का इशू कुछ ज़्यादा ही है, उनके अंदर ये डर हमेशा रहता है कि सामने वाला किस तरह से रिएक्ट करेगा। बिग बॉस में सलमान खान से मिली थी, तो कैसा लगा था? मतलब एक ड्रीम होता है लड़कियों का मोस्टली सलमान खान से मिलना, तो हाउ आप उस चीज़ को कैसे देखती हैं, आपके लिए कितना फुलफिल था वो? क्योंकि मैं पहले बता देना चाहूँगी कि 2016 में मुझे जब स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला था, तो मुझे मैं सर से मिल चुकी हूँ। आई डोंट नो कि उन्हें याद भी होगा या नहीं, लेकिन मैं उसी थॉट प्रोसेस के साथ गई थी कि पता नहीं वो मुझे पहचानेंगे या नहीं, पता नहीं वो मुझे जानेंगे या नहीं। लेकिन जब मैं ऑन स्टेज बिग बॉस गई और मैं सर के सामने थी, तो सर का रिएक्शन सिर्फ ऐसा था कि वो मुझे बहुत पहले से जानते हैं और बहुत ब्लेस्ड हूँ, हर लड़की उनसे मिलने का सपना देखती है और हम उनको हक करके आ रहे हैं। आपकी तरह से आपकी हाइट, आपने बताया शो पूरा एक हाइट नाट्य पिंकी की लंबी लव स्टोरी है, जूही असलम नाम की भी एक एक्ट्रेस थी टीवी की, उनकी भी हाइट को लेके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो एक्ट्रेसेस हाइट कम वाले इशू के साथ जो सीरियल्स में आती हैं, उसके एक टाइम के बाद उनका वो स्लॉट ख़त्म हो जाता है, क्या लगता है? मैम मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, हो सकता है इस वजह से भी कि अभी हमने वो चीज़ें फेस ऑफ नहीं की है, बट हमारे हिसाब से कला सबसे मेन है। अगर आप में कला है और आप में टैलेंट है और लोगों को आप पसंद आ रहे हो, लोगों के दिलों में आप जगह बना रहे हो, तो इट डजंट मैटर कि आपकी हाइट क्या है या आप कौन सा शो कर रहे हो। और जहाँ तक आपने बात की जूही असलम जी की, तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि उन्होंने बाबा ऐसोवर ढूंढो के बाद में भी काफ़ी सारे शोज़ किए, तो उसमें तो हमें नहीं लगता है कि उनकी हाइट के चलते उनको उसमें लिया गया होगा। उनके कला पे और उनके टैलेंट पे उनको मौका मिला, तो बस मैं इसी विश्वास के साथ मैंने भी ये शो को पकड़ा। लास्ट है आपसे क्वेश्चन कि आपने फैंस को आप क्या कहना चाहेंगी? फैंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि खुद पर विश्वास रखिए और कभी भी ये मत सोचिए कि आप कैसे क्या बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आप दिखने में कैसे हो। आपके अंदर कला होनी चाहिए और आपको उस टैलेंट को उभारने की और सीखने की कला होनी चाहिए। जिस दिन इंसान ये सोच लेता है कि उसने सीख लिया है, उस दिन वो इंसान ख़त्म हो जाता है, ये हमारा मानना है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे, जो भी लोग सीख रहे हैं या जो भी लोग आगे दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ सीखते रहें। सीखने से क्या होगा कि आपकी कला में तो सुधार आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपको बेहतर होने का और अच्छा हो के मिलने का मौका भी मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, न्यूज़ ट्रैक्स एंड ऑल द बेस्ट।
जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे कलर टीवी के आने वाले शो नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी के एक्टर्स पुनीत चौकसी और रिया शुक्ला। उन्होंने बताया उनके लिए शो में काम करना एक बहुत ही अच्छा है लगा, दोनों को एक दूसरे के साथ काम करके भी बहुत मज़ा आया। तो क्या वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।